सुनहरे समय की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल को जादू में बहुत दिलचस्पी थी। एक दिन उसे गांव के पास के जंगल में एक पुराना ग्रंथ मिला। उस ग्रंथ में लिखा था कि एक विशेष मंत्र से वह किसी भी चीज को जादुई बना सकता है। राहुल ने यह पढ़कर मंत्र सीखने का फैसला किया। वह रोज रात को चुपके से जंगल में जाता और मंत्र का अभ्यास करता। एक दिन अभ्यास करते समय अचानक एक तेज रोशनी चमकी और एक जादुई परी प्रकट हुई। परी ने कहा, राहुल, तुमने मेरी रिहाई कर दी है, तुम्हें इसके बदले में एक वरदान मिलेगा। राहुल ने झट से कहा, मुझे ऐसा वरदान दो जिससे मैं किसी भी चीज को जादू से बदल सकूं। परी ने उसे एक जादुई छड़ी दी और कहा, इसका सही उपयोग करना वरना इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। राहुल ने छड़ी लेकर अपने घर की ओर रुख किया। वह अपने कमरे में पहुंचा और छड़ी को घुमाते हुए उसे आजमाने लगा। पहले उसने एक छोटे पत्थर को सोने में बदल दिया, फिर उसने एक पुरानी किताब को नया बना दिया। धीरे धीरे राहुल की जादुई छड़ी की ख्याति पूरे गांव में फैल गई। लोग उससे मदद मांगने लगे और वह हर किसी की मदद करता गया। लेकिन उसके मन में धीरे धीरे अहंकार बढ़ने लगा। एक दिन गांव के मुखिया ने राहुल से कहा, राहुल, हमारे गांव में पानी की बहुत कमी है, क्या तुम अपने जादू से इसे हल कर सकते हो? राहुल ने तुरंत अपनी छड़ी घुमाई और एक सूखी झील को पानी से भर दिया। गांव के लोग बहुत खुश हुए और राहुल की तारीफ करने लगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राहुल का अहंकार और बढ़ता गया। वह अब लोगों की मदद करने के बजाय अपने सुख के लिए छड़ी का इस्तेमाल करने लगा। वह सोने की महल बनाना चाहता था, इसलिए उसने छड़ी का उपयोग किया। एक दिन जब राहुल अपनी छड़ी से एक बड़ा सोने का महल बना रहा था, तो अचानक छड़ी से एक डरावनी आवाज आई। वह परी फिर से प्रकट हुई और गुस्से में बोली, राहुल, तुमने मेरे वरदान का गलत उपयोग किया है, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। परी ने छड़ी को छीन लिया और उसे एक साधारण लकड़ी में बदल दिया। साथ ही उसने राहुल को चेतावनी दी कि अगर वह अपने अहंकार को नहीं छोड़ेगा तो उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। राहुल ने अपनी गलती समझी और उसने फैसला किया कि वह फिर कभी जादू का दुरुपयोग नहीं करेगा। उसने लोगों की मदद करने और अपने पुराने साधारण जीवन को अपनाने का संकल्प लिया। वह गांव के लोगों से माफी मांगने गया और उन्होंने उसे माफ कर दिया। उसने फिर से मेहनत और ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। राहुल ने समझ लिया था कि असली जादू इंसान के अच्छे कर्मों में होता है, न कि किसी जादुई छड़ी में। इस तरह राहुल ने अपने जीवन को सुधारा और अपने गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया। कहानी का यही संदेश है कि शक्तियों का सही उपयोग और विनम्रता हमें सच्ची खुशी और संतोष दे सकते हैं।